सब्सक्राइब कीजिए टोटल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कर सके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। टोटल एग्जाम में एक बार फिर मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम मैथ से परसेंटेज चैप्टर को लिया है और आज से हम मैथ के उन चैप्टरों को क्रमवार पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परसेंटेज चैप्टर से बीच से आखिर क्यों। दोस्तों इससे पहले जो चैप्टर हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और वो आप सभी को सारे चैप्टरों में से अति महत्वपूर्ण है। आप लॉस एंड प्रॉफिट बनाइए, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। पार्टनरशिप बनाइए, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट बनाइए, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाइए, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। हमारे कहने का मतलब है कि मैथ का कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, तकरीबन हर चैप्टर में आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम परसेंटेज सीखेंगे, उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट, और उसी तरह से क्रमवार एग्जाम के दृष्टि से क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ चैप्टर का क्रमवार होना चाहिए अध्ययन करने का, उस तरह से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी आने पे उसे प्रेस कर लें ताकि आगे से जो भी वीडियो में डालो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जीके का हो, वो आप तक बेहद आसान तरीके से आसानी से पहुंच जाए और उसका आप लाभ ले सकें। क्योंकि आज से हम मैथ के इस तरह के मेथड को इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए होगा और जिसको सीखकर आप अपने मूल्यवान समय को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ज्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ, मतलब एक सौ में। परसेंटेज का मतलब हो गया क्या दोस्तों, एक सौ में। दूसरी शब्दों में अगर हम बोलें कि वह भिन्न जिसका हर एक सौ हो, वह भिन्न जिसका हर एक सौ हो, परसेंटेज कहलाता है, ये भी हम बोल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बोले 9%, इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या समझेंगे। 9% का मतलब हो गया दोस्तों 100 में 9, नहीं तो हुआ 9%। अगर इसे हम लिखें तो क्या हम लिखते हैं, 9/100। 9 क्या हो गया दोस्तों, दर हो गया, और जो 100 है वो क्या हो गया, हमारा प्रतिशत हो गया। तो जैसे एक हम छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% भोजन पर खर्च करता है। जरा इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और मंथन कीजिए, इसके बारे में विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% भोजन पर खर्च करता है, इसका मतलब क्या, 5% इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों जो भी वो इनकम करता है, जो भी वो कमाता है, हर 100 रुपये पे वो 5 रुपया भोजन पर खर्च कर रहे हैं। अगर हम बोले कि वो व्यक्ति एक दिन में 300 रुपया कमाता है तो उसने भोजन पे कितना खर्च कर देगा, फिर 100 में 5 कर रहा है तो 300 में क्या कर लेगा, 15 कर लेगा। अगर वो 500 कमा रहा है तो 100 पे 5 रुपया खर्च कर रहा है, 500 पे उसने कितना खर्च करेगा, 25 रुपया खर्च कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 5% जो है, इसे कहने का मतलब होगा 5/100 जो है ये भोजन पे खर्च करता है। अगर 500 कमाता है, जैसे 500 कमाता है, 5/500, और यहां पर हम बोले कि अगर उसकी आय, अगर उस व्यक्ति की आय 1000 रुपया,
कॉमन सेंस लगाइएगा दोस्तों, ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगाना, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, कॉमन सेंस लगाना। अगर उसकी आय 1000 रुपया हो तो भोजन पर कितना खर्च करेगा? कॉमन 100 में कितना कर रहा था दोस्तों? 100 में 5 रुपया कर रहा था। 100 में कॉमन सेंस लगाते हैं, देखिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सिंपल में समझिए। 100 में वो 5 रुपया खर्च कर रहा, 200 में वो कितना खर्च कर लेगा? 10 रुपया। 300 में कितना करेगा? 15 रुपया। 400 में 20, 500 में 25, 600 में 30, इस तरह हम चलेंगे। तो 1000 में कितना खर्च कर लेगा दोस्तों? 50। तो ये था कि सिंपल जो हम लोग घर में यूज करते हैं, 1000 में कितना खर्च कर लेगा? 50। और दिन भर में वो कितना कमाता है? 1000। और भोजन पे रात में जब भोजन करता है वो, तो 50 रुपया खर्च कर देता है। तो हम उसको बोले कि, अगर हम आपको बोले कि वो बचत कितना करता है, तो आप क्या कीजिएगा? बचत का जहां बात करेंगे तो जितना वो कमाता है और उसमें वो कितना खर्च कर रहा है घटा देंगे, यानी 1000 में अगर 50 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 950। ये 950 जो है ये बचत करता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। एक दुकानदार 10% लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या? एक दुकानदार 10% लाभ कमाता है, कहने का मतलब हुआ है जितने भी 100 का सामान बेचता है उस पे उसे 10 रुपया का फायदा होता है। देख 10% का मतलब तो यही हो गया ना कि 100 में 10, अगर 500 का बेच दे तो कितना हो जाएगा? अगर 500 का बेचे तो 50 का फायदा हो जाएगा, 600 का बेचे तो 60 का फायदा हो जाएगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि 100 का सामान बेचता है तो उसे 10 रुपया लाभ होता है। और अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसे कितना लाभ होगा अगर 800 का सामान बेचे, उसे कितना लाभ होगा अगर 800 का सामान बेचे, तो सिंपल सी सिंपल तरीका है दोस्तों। 100 में उसने 10 रुपया का लाभ कमा रहा था और 800 में वो कितना कमा लेगा? 80 का। अगर मैथमेटिक्स के नियम से चले तो हम कह सकते हैं कि 100 में 10 रुपया, 1 में 10/100 और 800 में 10/100 गुना 800, शून्य 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 कट गया। अब 10 × 8 कर लेंगे, 80 रुपया। ये हो गया मैथ के नियम से जो मैथ, और ये अपना सिंपल जो मन में माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों कि हमने देखा कि प्राइम फ्रैक्शन का कितना महत्व है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्राइम फ्रैक्शन को देखते हैं जो आगे चल के आपको परसेंटेज के किसी भी सवाल में आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन को लिखा, जैसे 2% है, 2% का 1/5 भिन्न, 2.5% का 1/40, 3 पूर्णांक 1/8% का 1/32, 4% का 1/25। तो यहाँ पे जो जितने भी हैं सारे तकरीबन महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में इसी से यही परसेंटेज को एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बोलेंगे इन्हें याद करने के लिए, दोस्तों इसे याद नहीं करना, अगर आज आप याद करते हैं तो कल भूल जाएंगे। इसको क्या करना है, बार बार इन्हीं परसेंटेजों को जब आप प्रैक्टिस करें तो उसमें इसको उपयोग करना। और अगर आप चाहते हैं कि याद करें तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि इसे एक लिस्ट बनाकर, जहां आप पूरे दिन में जिस जगह पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान जाता है वहां पे इसको चिपका दें। जैसे सोते वक्त, जो सोते वक्त हम सोते हैं बेड पे, तो हमारी नजर जो सामने जाती है तो उस सामने लगा दीजिए, गेट में एंट्री हम करते हैं तो गेट में चिपका देंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरे दिन में अधिकतर समय जिस जगह पे हम बिताते हैं वहां पे वो चीज को चिपका दीजिए जो चीज आप याद करना चाहते हैं या जल्दी याद नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पर रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा, आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि धीरे धीरे सारा चीज आपको
दिमाग में बैठ जाएगा, और ये अगर बैठ गया तो परसेंटेज आपके लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों कुछ हम यहाँ पे परसेंटेज के सवाल, बेसिक सवाल लेंगे आज, और आज के बाद जो भी हम वीडियो लाएंगे तो तरतीब से हम चलेंगे, क्रमवार चलेंगे। तो कुछ प्रश्न को हम देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदले। ओके दोस्तों, तो कोई भिन्न ले लेते हैं, जैसे 1/11 ले लिए, ये भिन्न है, और इसे हमको परसेंटेज में बदलना है। मैंने अभी जो लिस्ट आपको दिखाया, अगर उस लिस्ट में देखिएगा तो 1/11 का क्या है, अगर इसे परसेंटेज में बदलिए तो 9 पूर्णांक 1/11%। कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 1/11 भिन्न है, और इसे जब परसेंटेज में बदलिएगा तो 9 पूर्णांक 1/11% आएगा। और आप लोग जानते हैं कि परसेंट में बदलने के लिए भिन्न को क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। हमारे पास क्या है, 1/11 × 100 कर देंगे, 100 × 1 नीचे 11, और जब भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 पूर्णांक 1/11%। अगर यहाँ पर हम बोले, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं 5/11 को आप, 5/11 ये भिन्न है, इसको आप परसेंटेज में बदलिए। इसको किसमें बदलना है दोस्तों, परसेंटेज में बदलेंगे। तो 1/11 को हम देखेंगे, 1/11 का हमारे पास जो परसेंटेज आया था, इसको एक सिंपल वे में चलते हैं, एक स्टेप हम लेते हैं आगे। 5/11 है, क्या हम इसको 1/11 × 5 कर सकते हैं? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। तो 1/11 का हमको ऑलरेडी मालूम है कितना परसेंट होता है, 9 पूर्णांक 1/11%, 1/11 का और 5। अब जो 5 है इनको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 5 × 9 कर लेंगे कितना हो जाएगा, 45 पूर्णांक 5 × 1 कर लेंगे, 5/11 × 5 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नीचे हर में 1 है। तो हमारा परसेंटेज क्या हो गया, 45 पूर्णांक 5/11, कितना सिंपल है। और देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए 1/6 का लेते हैं, इसका परसेंटेज निकालना है, तो सभी को मालूम है जैसा कि आप चार्ट में देखिएगा, 16 पूर्णांक 2/3%। अब अगर हम बोले कि आपको कि 5/6 का आप परसेंटेज निकालिए, तो 1/6 का कितना हमको मालूम है, 16 पूर्णांक 2/3 × 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 5 = 80 पूर्णांक 5 × 2 कर दीजिए, 10 और ये 3, 80 पूर्णांक 10/3%। एक और उदाहरण लीजिए, 11/7, इसमें दोस्तों वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे, काम भी नहीं करेगा। उसमें इसलिए लगा रहे थे, एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि इसमें जितने भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, उसमें क्या था कि अंश जो है वो हर से कम था, 11/1 यानी अंश 1 जो है वो 11 से कम है, यहाँ भी 5 जो है 11 से कम है, और यहाँ जो हम आ गया है 11/7 आ गया, यानी जो अंश है वो हर से ज्यादा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों 11 को हम लिख सकते हैं 1+4/7, 1 का क्या हो गया दोस्तों 100%, और हमारे पास कितना बच गया 4/7, और 4/7 का आपको मालूम है 57.5% होता है। तो 57.5% और 100% दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 157% ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों एक हम ले लेते हैं 31/6, इसको हम बोले का परसेंटेज में बदलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5+1/6, और 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों 500%, और 1/6 का 16 पूर्णांक
2/3% और दोनों को अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे 500% और 16 पूर्णांक 2/3% को जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 516 पूर्णांक 2/3%। अब देखिए एक सवाल दोस्त आता है कि अगर भिन्न बड़ा तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, जैसे मान लिया जाए 32/11 ले रहे हैं, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इसको हम 32 को 33-1/11 लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, एक सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको उतना समय नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी आप बना लीजिएगा। 33/11-1/11 कर सकते हैं, 3-1/11 लिख सकते हैं, और 3 का दोस्तों क्या हो गया 300%, और 1/11 का क्या हो गया दोस्तों 9 पूर्णांक 1/11%। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, प्लस करते हैं तो माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 290 पूर्णांक 10/11%। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 59/15 लेते हैं, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 16-1/15 और इसको अगर आप अलग कीजिए 60/15-1/15 अब इसको कटा दीजिए, 4 बार में कट गया, इसको हम लिख सकते हैं 4-1/15। यहाँ पर यही चीज किए हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, 3-1/11 यानी 33/11 और -1/11 करने के बाद डायरेक्ट 3-1/11 कैसे आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया था 11 + 33 कटा दिए थे, फिर 3-1/11 लिखे थे जो यहाँ पे मैंने किया। अब दोस्तों 4 का क्या हो गया दोस्तों 400% हो गई, और 1/15 का क्या हो जाएगा दोस्तों 16 पूर्णांक 2/3%। अब इस दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो 400 में 16 पूर्णांक 2/3 को जब हम घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 393 पूर्णांक 1/3%। देखिए घबराइए मत, सोच रहे हो कि बहुत टाइम ले रहा है या बहुत लंबा जा रहा है, कुछ लंबा नहीं जा रहा है, सिंपल वे में हम बता रहे हैं, सिंपल तरीके से बता रहे हैं, और जब आप अभ्यास करते रहेंगे ऑटोमेटिक आपका क्या है समय धीरे 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 कम होते चला जाएगा। अब देखिए कुछ और देखते हैं, अब हम क्या करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो दोस्तों जैसा कि मान लिया यहाँ पे हमने 10% लिख दिया, इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे प्रतिशत में बदलने के क्या कर रहे थे 100 से गुना कर रहे थे, प्रतिशत में जब बदलना हो रहा था हमारा, जब हम परसेंट में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे गुना कर रहे थे, और अब हम क्या जाएंगे भिन्न में जाएंगे, जब भिन्न में जाएंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों भाग कर लेंगे, तो 10% को हम 10 लिख देंगे और परसेंट को परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट गया, अब बच गया क्या ऊपर 1 और नीचे 10, ये क्या हो गया दोस्तों भिन्न में बदल गया। जैसे 17.5% इसको भिन्न में बदलिए, तो 17.5 को दोस्तों लिख सकते हैं 15+2.5। हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि अपने इस जो हिसाब है इसको आसान करने के लिए इसको तोड़ दे रहे हैं, 15 और 2.5 = 17 हो गया, बात वही एक ही हो गया दोस्तों। अब देखिए जैसे कि हमको 15% दोनों परसेंट है, 15% का हमें ऑलरेडी मालूम है 3/20% तो 3/20 होता है भिन्न, और 2.5 का कितना होता है 2.5 का 1/40। अब देखिए इसको क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 40 हो जाएगा, 40 अब 20 से डिवाइड करेंगे 40 को 2 2 × 3 6 + 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 करेंगे 1
7/40। उसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे 84 पूर्णांक 1/6% ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 80+4 पूर्णांक 1/6%। अब देखिए, जैसा कि 80% का हमें मालूम है कि 4/5 भिन्न होता है प्लस, और 4 पूर्णांक 1/6 इसका कितना भिन्न होता है, इसका 1/24 होता है, ये भी हमें मालूम है। अब दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम, 5 और 24 का लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120, 5 से भाग देंगे 120 में और फिर 4 से गुना कर देंगे तो 96 आ जाएगा प्लस, फिर 24 से भाग करेंगे 120 में फिर गुना कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब क्या करेंगे, 96 और 5 को जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 101/120, ये हमारा भिन्न आ गया, जो किसका भिन्न आ गया दोस्तों 84.1/6% का भिन्न आ गया 101/120। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब हम क्या सीखेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एक 12% उठा लेते हैं, इस 12% को दशमलव में बदलना है तो 12% का दोस्तों अगर परंपरा, अगर आप परंपरा, अगर दोस्तों आप पारंपरिक तरीके पे जाइएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलिएगा, यानी 12/100 कीजिएगा, फिर 6 कर दीजिएगा, फिर 50 कर दीजिएगा, फिर 3 कर दीजिएगा, फिर 25 कर दीजिएगा, लास्ट में क्या आ गया 3/25, और 3 में 25 से जब भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 0.12। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। हम क्या करेंगे दोस्तों, 12% का हमने चार्ट में देख लिया, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि पूरा चार्ट याद हो जाएगा। तो 12% का हमें मालूम ही है कि 3/25 भिन्न होता है, जब 3/25 12% का हमें मालूम चल गया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 3 में 25 से भाग कर देंगे, जो भाग करके आएगा 0.12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 55% ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, तो पारंपरिक तो बेसिक तरीके पर नहीं, तो 55% लिए, 55% का दोस्तों ऑलरेडी हमको क्या करेंगे, तो 55% को क्या करेंगे 55/100, फिर इसको कटा देंगे 11/20 हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे 0.55। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, तो आप एग्जाम में देखेंगे किस तरीका से हम जल्दी बना सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। चलिए और एक बेसिक चीज को देखते हैं, अभी हम क्या सीख रहे थे कि प्रतिशत को दशमलव में बदल रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे 0.4 ले लेते हैं, ये दशमलव में, अब इसे प्रतिशत में बदलना हो तो सीधी सी बात है, कुछ देर पहले ही हमने बताया कि जब प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों 100 से गुना कर देंगे, और 100 से गुना करके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक जीरो का एक जीरो काट देंगे, अब बच गया क्या 4 और 10, और 4 × 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40%। एक और देख लीजिए 0.55, इसको परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे 0.55 × 100, अब देखिए पॉइंट के बाद कितना शून्य है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, दो
तो दोनों शून्य यहाँ से कट जाएगा। तो अब बच क्या गया, यहाँ पे 55 बट गया और यहाँ पे एक बच गया। जब 55 और गुना एक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, 55। ये हमारा आंसर हो गया 55%। एक और देख लेते हैं, जैसे 5.2 इसे परसेंट में बदलना हो तो 5.2 इंटू 100 करेंगे और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो काट देंगे और फिर गुना कर देंगे, यानी 52 इंटू 10 520। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये कुछ था हमारा परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सवाल, बेसिक सवाल जिसे हमने आज किया। और इसी तरह से अब धीरे धीरे हम बेसिक से थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा, इसी तरह कठिन प्रश्न तक हम लोग चलेंगे और जो सिंपल तरीका होगा, जो ट्रिक्स होगा, उनको भी सीखेंगे। और इस टोटल एग्जाम के चैनल पर ये मैथ पढ़ने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपको कि दोनों तरीका हम बताएंगे, एक बेसिक और एक ट्रिकी। क्योंकि हो सकता है हमेशा ट्रिकी काम नहीं आता है या याद नहीं आता है, तो उस समय हमारा जो बेसिक हथियार है, जो बेसिक मेथड है वो काम आएगा। तो दुर्भाग्य में फिर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको खराब लगा तो खराब भी कॉमेंट कीजिए और उसमें लिखिए क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाने के तरीका में कुछ बदलाव होना चाहिए या क्वेश्चन के तरीके में कुछ बदलाव, कुछ भी आपको लगे कि ये चीज टोटल एग्जाम के चैनल पर जो वीडियो आता है उसमें इस तरह का बदलाव होना चाहिए, तो जरूर हम कोशिश करेंगे, 100% हमारा कोशिश होगा कि हम बदलाव करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा काम है आपको अच्छी शिक्षा देना और आपके जो भी कॉमेंट आएंगे, जो भी आपके आवेदन आएंगे उस पर हम विचार करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.totalexam.net। आप फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है टोटल एग्जाम। आप ट्विटर पे भी जा सकते हैं, ट्विटर पे भी है हमारा टोटल एग्जाम। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पे ही हमारा नाम है टोटल एग्जाम। और आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको मालूम है, यूट्यूब पे भी हम है टोटल एग्जाम के नाम से। और जो दोस्तों अभी तक चैनल को नहीं ढूंढ पाया है वो डायरेक्ट आप YouTube को खोलें और सर्च में जाकर लिख लें टोटल एग्जाम और सर्च कर लें, आपको ये ऊपर वाला जो लोगो देख रहे हैं किस तरह का लोगो आएगा दोस्तों, और इसे आप सब्सक्राइब कर लें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हद तक हेल्पफुल रहा होगा और आगे से भी मैं वीडियो बनाते रहूंगा, जल्द ही एक और वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।